एग्जाम में पूछा हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि ये इंडक्टेंस इस तरीके से लगे हुए हैं, इनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालिए। अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आप क्या करेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के सॉल्व करेंगे और इसको लगाने में 2 से 3 मिनट लग जाएगा, इससे क्या होगा आप पिछड़ जाएंगे। आपको क्या करना है, जब भी सर्किट का क्वेश्चन आए समझिए कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यूज होगा, उस सर्किट को सॉल्व नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हो चुका, तो आपको क्या करना है कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है, जैसे 10 और 20 है, इसका इक्विवेलेंट हमने सॉल्व किया कितना आया 6.22, 10 और 20 का, तो ये नियर इस छोटे वाले रेजिस्टेंस के आसपास आता है। कॉन्सेप्ट ये है कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हों तो जो उनका इक्विवेलेंट आएगा वो छोटे वाले से भी कम आएगा, या लगभग लगभग छोटे वाले के आसपास आएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए ये एल, ये एल, ये एल, ये एल, 2L हो गया, हम इसको एरेज कर रहे हैं, फटाफट देखिएगा ये 2L हो गया। एग्जाम में आपको इसे बनाना नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2L। ठीक है, इस तरीके से हो गया, दोनों सीरीज में थे। अब क्या है, L और 2L, L और 2L पैरेलल में है, पैरेलल में है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा किसके आसपास आएगा, इसके आसपास आएगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, पैरेलल सॉल्व कर देते हैं, तो ये हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा L। अब देखिए सर्किट क्या है, L और 2L सीरीज में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से सर्किट हो जाएगा 3L। अब L और 3L पैरेलल में है तो जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आएगा वो किसके आसपास आएगा, L के आसपास, या L से छोटा, जैसे हमने यहां पे देखा 10 के आसपास या 10 से छोटा। यही कॉन्सेप्ट है कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो छोटे वाले से भी छोटा आएगा या उसी के आसपास आएगा। तो जो इक्विवेलेंट यहाँ पे और रेजिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट इंडक्टेंस में लगता है, तो जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आएगा वो L से भी छोटा आएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा इनका ये L से छोटा होगा। L इक्विवेलेंट इक्वल टू लेस देन L, L से छोटा, L की वैल्यू है 22, 22 से छोटा कौन सा ऑप्शन है 16, हो गया सॉल्व। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ऐसे सॉल्व करना।